नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट एग्जाम बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि हिंदी विषय संबंधित है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने गद्यांश पद्यांश और जिस प्रकार से सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं प्रश्न हिंदी पैडागॉजी से, वो सभी इसमें शामिल हैं। तो चलिए और देखते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट में, और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो गद्यांश पद्यांश हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आपसे पूछे जाएं, पर ये आपके लिए सिर्फ एक यहाँ पर पैटर्न है। और प्रश्न जो है हिंदी पैडागॉजी के, वो ज़रूर आ सकते हैं, पर गद्यांश पद्यांश ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। पर हम ऐसा आंकलन हमारा कर सकते हैं कि कोई भी गद्यांश पद्यांश आता है तो हम उसको कितना समझ सकते हैं और कितना उसको हम स्कोर उसमें से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पद्यांश दिया है और उस पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो चलिए पद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धारा अदबनी, अभी तो पलक नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधी लिखी ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धारा अदबनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकान भूल जा देवता। चलिए बहुत ही अच्छा पद्यांश था। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आप यदि पद्यांश को ठीक से नहीं पढ़ पाए तो आप फिर से उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब प्रश्न देखते हैं। इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है, तो इसलिए चारों विकल्प को देखना जरूरी है। कवि ने यहाँ पर एक आदर्शवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की है। सेकंड है कलाकार को थकान भूलकर पूरे उत्साह से पुनः निर्माण कार्य में जुट जाना चाहिए। और थर्ड है पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। और फोर्थ है भाषा में लयात्मकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा असत्य है, तो हमारा उत्तर भी यही होगा ऑप्शन थर्ड। पद्यांश की भाषा में लक्षणा शक्ति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त शब्द अदबनी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अदबनी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अदबनी का अर्थ यहाँ पर है अपूर्ण, जैसे आधा बना हुआ हम कहते हैं, तो आधा बना हुआ मतलब अपूर्ण। तो ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारे यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है? तो देखिए कवि ने यहाँ कहा था सृजन की थकान, तो ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सृजन की थकान भूलने को कवि ने कहा है। कवि ने किसकी नींव के पते की बात कही है? तो हमने देखा उसमें आया था स्वर्ग की नींव की बात उसमें कही गई थी, तो ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरा कैसी अवस्था में पड़ी हुई है? तो हमने देखा था कि धरा अदबनी अवस्था में है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा होगा? सौंदर्ययुक्त, आदि जली हुई, सुरभि में सनी हुई, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धरा अदबनी अवस्था में है। चलिए अगला प्रश्न है। कवि ने किसे थकान भूलने की ओर संकेत कर रहा है कवि? तो कवि यहाँ पर जो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं उनको थकान भूलने का संकेत कर रहा है, ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक गद्यांश को देखते हैं और गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को हम शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से ही लिखते थे, जब उनकी कुछ रचनाओं जिनमें सोजे वतन प्रमुख है को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखना शुरू किया। इस उनके द्वारा रचित नाटकों में संग्राम, करबला, रूठी रानी तथा प्रेम की वैधि प्रमुख हैं, और उन्होंने इन सब के अतिरिक्त कई निबंध तथा जीवनी चरित्र भी लिखे। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। उन्होंने कुछ अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जिसमें सृष्टि का प्रारंभ, आजाद, अहंकार, हड़ताल और चांदी का डिबिया उल्लेखनीय है। कर्मभूमि नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने छुआछूत की गलत भावना एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों का उद्धार का मार्ग बताया। उन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं में धर्म के ठेकेदारों की पूरी आलोचना की है और एवं समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए जनता को उनसे सावधान रहने का संदेश दिया है। सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है
और इस तरह देखा जाए तो अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल केवल कलम के सिपाही के रूप में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, बल्कि समाज सुधार के पुनित कार्य को भी बखूबी अंजाम दिया। उनके उपन्यास गोदान को आदर्श अनुमुखी यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके नायक होरी के माध्यम से उन्होंने समाज के यथार्थ को दर्शाया। गांव के निवासी होने के कारण उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नज़दीक से देखा था, इसलिए उनकी रचनाओं में यथार्थ के दर्शन होते हैं। उन्हें लगता था कि सामाजिक शोषण एवं अत्याचार का उपाय गांधीवादी दर्शन में है, इसलिए उनकी रचनाओं में गांधीवादी दर्शन की भी प्रधानता है। प्रेमचंद ने गांव के किसान मोची से लेकर शहर के अमीर वर्ग एवं सरकारी मुलाजिमों तक को अपनी रचनाओं का पात्र बनाया है, और प्रेमचंद को उनके महान उपन्यास और में उत्कृष्ट कथा शिल्प और प्रस्तुतिकरण के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब चलिए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास की चर्चा प्रस्तुत पद्यांश में नहीं की गई है। तो देखिए, इसमें हमें जो गद्यांश कौन कौन से का नाम इसमें आया है और किसका नाम नहीं आया है, ये हमें इसमें उत्तर देखना है। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें गोदान, वरदान, कर्म हुई आदि आए हैं, गबन इसमें नहीं आया है। ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद की किस रचना को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। तो देखिए, प्रेमचंद की जो सोझे वतन रचना थी उसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो प्रेमचंद और उनकी रचनाएं यहाँ पर हो सकता है। चलिए अगला है, प्रेमचंद ने ब्रिटिश सरकार से किस प्रकार अपना विरोध जताया। तो उन्होंने अपना विरोध किस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त किया, तो उन्होंने सरकारी मुलाजिमों को अपनी रचनाओं का पात्र बना करके अपना विरोध जताया। प्रेमचंद की रचनाओं में यथार्थ के दर्शन क्यों होते हैं। अब क्यों होते थे, क्योंकि उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नज़दीक से देखा था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखते थे। तो हमने देखा उसके अंदर आया था नवाब राय। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा उत्तर होगा। प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी प्रधानता है। तो प्रेमचंद की रचनाओं में किसकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है, तो ये मिलती है गांधी दर्शन की। ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला है, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो उनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत की भावना का वर्णन प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में किया है। तो उन्होंने छुआछूत की भावना का वर्णन ऑप्शन सेकंड कर्मभूमि में किया है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। अब हमारे प्रश्न जो हैं ये हिंदी पेडागॉजी से संबंधित हैं। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली प्रयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ रहेगा प्रयोगशाला विधि जो है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला है, भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है। तो वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने में सभी उपयोगी किंतु लिखने में कठिन है ये सभी विधियाँ, तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान करा के उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के विश्लेषण विधि द्वारा या सभी के द्वारा, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ ये सभी के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बाल सभा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, मतलब बच्चों को इससे मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रशिक्षण मिलता है, एक अवसर मिलता है। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को या सभी को, तो यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी को, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्वरूप हैं।
तो विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा के क्या स्वरूप होते हैं, प्रथम स्वरूप में यह एक विषय है और द्वितीय स्वरूप में यह अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम है। यहाँ पर एक और दो दोनों सही हैं, एक और दोनों कथन त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन थर्ड जो रहेगा, एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ये हमारा उत्तर होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें देखना है और कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री कौन सी होगी, तो श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्र कथाएं या ये सभी, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ये सभी। व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने की प्रेरणा देना, रचनात्मक सृजनात्मकता का विकास करना, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग या ये सभी, तो हमारा उत्तर होगा ये सभी। ऑप्शन फोर्थ में हमारा उत्तर होगा भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। तो देखिए, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, तो संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अनुभव से, अंतर्क्रिया से या प्रशिक्षण से, तो ऑप्शन फोर्थ प्रशिक्षण से बढ़ती है। पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है उसका प्रभावी शिक्षण। ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। अब पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण कौन सा है, तो ये होता है स्वर और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं, तो ये किन पर निर्भर करते हैं, बोलने में बल, बोलने के सुर, बोलने के अनुतान पर या इन सभी पर, तो हमारा उत्तर रहेगा इन सभी पर, ऑप्शन फोर्थ। अगला है भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषय जटिल आदतों का निर्माण करना, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है यह रॉबर्ट लाडो का, ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा यह हमारा उत्तर होगा। चलिए, अगला है भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या दोनों ही, तो यहाँ पर मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों ही होते हैं, सॉरी मानसिक बौद्धिक दोनों होते हैं, ऑप्शन से फोर्थ जो रहेगा ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा, एक और दो दोनों। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारा हिंदी संबंधित प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपका स्कूल क्या रहा, प्रश्न कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ में संपर्क बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले वीडियो में।